फर्स्ट यूज देन बिलीव, हिंदी में बोले तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी तक आपने ये टैगलाइन एक डिटर्जेंट पाउडर के ऐड में देखी होगी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टैगलाइन आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के लिए आने वाली है। सर कौन सा मॉक टेस्ट? ये उसी मॉक टेस्ट की बात हो रही है जिसे योगेश सर एंड टीम, यानी कि पाठशाला रेलवे एग्जाम की टीम ने तैयार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें बेहतरीन क्या है, इस बात पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं बुलाता हूँ योगेश सर को और मैं डायरेक्ट उन्हीं से पूछता हूँ कि ये मॉक टेस्ट जो वो दे रहे हैं बच्चों को सुपर मॉक या उसकी फॉर्म में 50+15 की फॉर्म में, इस मॉक टेस्ट में ऐसी खास बात क्या है जो कि बच्चों के लिए हितकर होगी और आने वाले रेलवे एग्जाम में उनको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगी। तो योगेश सर प्लीज अपना सुंदर सा चेहरा लेकर आइए और जो प्रश्न है सर वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये जो आप मॉक टेस्ट बच्चों को लिए बनाए हैं या दे रहे हैं उनको, ये किस तरीके से उनको फ़ायदा करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम में प्लस साथ साथ? अच्छा पहले इतनी बात का उत्तर दीजिए। देखिए है क्या ना कि कोई भी बच्चा चाहे वो रेलवे का बच्चा हो तो कहीं ना कहीं हर तरह के सर एग्जाम देता चला आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और एग्जाम देने के बाद उसको एक ऐसा मोमेंट आता है जिसपे लगता है कि सर मैंने तो ये पढ़ा नहीं, मेरा सिलेक्शन इससे नहीं होगा, या फिर मैंने ऐसा नहीं पढ़ा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात से बिल्कुल सर मैं आपके एग्री हूँ, क्योंकि जब मैं छात्र जीवन में था, पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे तो पढ़ाई नहीं करता था भाई, लेकिन जब करता था तो एग्जाम टाइम ये लगता ही रहता था कि यार पढ़ा तो कुछ है नहीं, चीजें क्या जाने। तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है ना सर, बच्चों के साथ ज्यादातर ये समस्याएं हैं कि बच्चा जो है ना जो टॉपिक पढ़ लेता है वो आता नहीं है, और जो छोड़ देता है इतनी ज्यादा किस्मत खराब रहती है कि वही आ जाता है। अच्छा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि हर तरह से टॉपिक को कवर किया, मतलब मैंने बताया कि हम लोगों ने 50 मॉक टेस्ट ग्रुप डी के ही स्टैंडर्ड के बनाए, मतलब पिछले सरसों में जैसा ग्रुप डी का पेपर आता रहा है वैसे ही बनाए। और मुझे पता है सर मोस्टली यूट्यूब चैनल इस तरह का ही पढ़ा रहा है जैसा पिछले आता रहा है। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि 15 मॉक तो उस तरह से बना दिए जी, जी। और बाकी जो 15 मॉक है ना, मतलब 50 पहले वाले बना दिए और बाकी जो 15 मॉक है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन कर दिया। अच्छा एक सर यहां ऐसा पर मेरा... सर अभी एनटीपीसी में भी हुआ, बहुत सारे अभी देखिए ना एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर जैसा आया वैसे सर सीबीटी 2 का पेपर आया ही नहीं। जी जी जी, मतलब थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा बहुत ज्यादा बदलाव आया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जैसा पिछले वर्षों में पेपर आता था 50 मॉक आप वैसे दीजिए, यानी अपनी तैयारी को एक बार बेस मजबूत कर लीजिए और बाकी जो हमारे 15 सुपर मॉक है उनका स्टैंडर्ड और उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग हटके है, ताकि आप इधर उधर औना पौना तिटोना हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर सके। अच्छा एक चीज बताइए सर, जैसे आपने अभी एक नाम लिया सुपर मॉक, हाँ, तो बच्चे कहीं ना कहीं इनके मन में क्यूरोसिटी ये होगी, होगी ना, होगी तो कमेंट से जरूर बताइए कि है कि नहीं है। इसको आप सुपर मॉक कह रहे हैं तो अगर आप ये देखें कि मार्केट में इस नाम से चीजें भी चल रही हैं। हाँ ठीक है, और लेकिन तो सुनिए, हाँ, तो सर मेरा कहना है बच्चों की तरफ से, अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मैं आपसे सवाल ये कर सकता हूँ कि जो सुपर मॉक आप कह रहे हैं इसमें ऐसा है क्या कि इसको आपने सुपर जैसा नाम दे दिया है? सुपर मॉक, हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही चीज पूछी, मैं सही ऐसा है सर, क्या हमेशा। देखिए बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो 50 मॉक है ना वो हर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शुरुआत के 50 मॉक है उसमें मैंने वो क्वेश्चन रखे जो पिछले वर्षों में ग्रुप डी में आए, वो आपको ज्यादातर प्लेटफॉर्म, आप कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म चुनते हर जगह आपको 50 मॉक के प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो 15 मॉक है ना, जो हमारे 15 मॉक जिनको मैंने सुपर मॉक इसीलिए नाम दिया क्योंकि इनका जो कंटेंट है, इनके जो प्रश्न है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि आप वो शुरुआत वाले 50 जब एक बार लगा चुके होंगे, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, आपका बेस मजबूत होगा, तब आप इन 15 मॉक को लगा पाओगे और ये वो मॉक होंगे जो अन्य सभी प्लेटफॉर्म में से सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक होंगे। अच्छा बच्चों की तरफ से मैं अब, हालांकि बच्चे कमेंट में आपसे पूछ ही लेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं अभी इस जिम्मेदारी पे हूँ कि मैं सर से सवाल पूछूँ, तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रत्येक मॉक टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डिजाइन है? अच्छा डिजाइन की अगर बात करते हैं, मतलब उनके स्टैंडर्ड की बात करते हैं और उनमें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका पैटर्न बिल्कुल हुबहू ग्रुप डी जैसा है। मतलब अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में साइंस के आते हैं। सर एक मिनट के लिए रोकेंगे, और सर केवल ग्रुप डी या रेलवे में आने वाले किसी भी एग्जाम में कारगर होने वाले हैं? रेलवे के एग्जाम में, किसी और भी एग्जाम में ये कारगर नहीं होने, मैं पहले बता दूं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो मतलब आप कहीं से भी कुछ भी पढ़े हो, आपको ये 15 सुपर मॉक और उससे पहले वो जो 50 मॉक है ये देने ही देने, मतलब ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए है ना भैया, और किसी चीज के लिए है नहीं। अगर कोई और ऐसा सोच रहा है
कि SSC की तैयारी करने वाले इस मॉड को ले ले, या फिर रेलवे की और किसी अन्य एग्जाम की RPF की तैयारी करने वाले इस मॉड को ले ले। बच्चा मैं फिर से कह रहा हूँ, और कोई मत लेना, सिर्फ ग्रुप डी वाले ही लेना, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्रुप डी जैसा, इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो ग्रुप डी जैसा है। 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, तो नेट एकदम 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। मैंने पहली बार किसी अध्यापक को ये कहते हुए सुना है कि ये पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए ये जो है टेस्ट दिया गया है। नहीं तो मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं कि रेलवे में आने वाले सारे एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो भैया ले लो। भाई साहब की बात सुने ना आप, भैया कह रहे हैं सिर्फ ग्रुप डी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो ही ले। और सर अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक मॉक में कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? पूरे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा जी, 25 साइंस, 20 तुम्हारे जीटीजीएस में आपके 4-5 करंट अफेयर होंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। ऐसा नहीं कि हम लोग 2018 वाला करंट डालेंगे, नहीं 2021-2022 में करंट खत्म ही हो गया। हां वो करंट आ रहा, लोग ऐसा करते हैं कि पुराने मॉक को नया बता के बेचते, कोई बात नहीं, आप उसमें देखिए। और उसके साथ साथ उसमें जैसा हमारे मैथ के जितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ आते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आते हैं, 25 हमारे जनरल साइंस आते हैं, और जनरल साइंस में भी जितने तुम्हारे बायोलॉजी के अगर 10 आते हैं तो 10 बायोलॉजी मिलेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आप तो 5-6 फिजिक्स के हो गए, और 4-5 हमारे केमिस्ट्री के, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन साइंस, मतलब वैसा ही पैटर्न रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन और कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप डी जैसा ही होने वाला है। देखिए सर, मैं भी आपके साथ मैथ पढ़ाता हूं तो मैंने कहीं ना कहीं से ये चीज़ सुनी कि इन 50+15 मॉक के अलावा भी आप बच्चों को कुछ ऐसा देने वाले हो PDF के फॉर्म में, ये मैंने सुन रखा है। और होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें साइंस का स्टैंडर्ड पूरे साइंस 25 क्वेश्चन की आनी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। अच्छा खासा का मतलब यह है कि आप चाहो तो 25 में से पूरे 25 में से 25 ला सकते हो। अच्छा जी, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि साइंस के 1100 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड PDF, 1100 क्वेश्चन, हाँ 1100 में से 1000 क्वेश्चन की जो PDF है वो आपके मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मिलेगी। अच्छा जी, और स्पेशली हम लोगों ने क्या किया है कि 100 क्वेश्चन की PDF सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए दे दी। बहुत अच्छे, मतलब 1100 क्वेश्चन आपको टोटल कंप्लीट पैटर्न, और ये इसका कोई दाम नहीं है, ये इसके साथ फ्री है। अच्छा, 1100 क्वेश्चन फ्री है? हाँ, ये 1100 क्वेश्चन फ्री है, 199 आप मॉक लीजिए, उसके बाद सब कुछ फ्री, मतलब 199 रुपए में मुझे 65 मॉक मिलेंगे जिसमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन, यानी 6500 क्वेश्चन ये हो गए, और 1100 क्वेश्चन की ये PDF और मिल गई। हाँ, तो 6500 और 1100 सर मेरे ख्याल से तो ये 7600 के करीब पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये एकदम सही, मतलब आप सर एक तरीके से देखा जाए तो 200 रुपए में 7600 क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को, यानी 1 रुपए में 38 क्वेश्चन, 3 है सर, ऐसा कुछ है? मेरी मैथ इतनी अच्छी रही है, लेकिन आप जो बता रहे हैं मैं मान लेता हूं उतना ही होगा। भैया 1 रुपए में एक टॉफी नहीं मिल रही है आजकल, ये सर जी देख रहे हो 1 रुपया में 38 क्वेश्चन। अच्छा, दिए दे रहे हैं, और सर ने जो शुरुआत में कहा था ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस पर भी सुन लीजिए। हाँ, तो अभी शनिवार शाम 7 बजे को हम लोग सुपर मॉक का एक जो स्टैंडर्ड है डेमो है वो पब्लिश करने वाले है, जो ऑलमोस्ट फ्री है। अच्छा जी, अच्छा 65 मॉक तो फ्री है, मतलब 65 पेड है, और उसके अलावा 4-5 मॉक उसमें फ्री पड़े, तो ऑलमोस्ट आप 70 मॉक मान के चलिए कि मैं बच्चों को 70 मॉक दे रहा हूँ। अच्छा, कल जो आपका सुपर मॉक आपका लाइव होने वाला है एप्लीकेशन पे, वो शनिवार शाम 7 बजे से लाइव हो जाएगा, तो सुपर मॉक को देने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आप सब लोग एक बार उसको जाते देखिए, उसकी खास बात क्या है कि आप उसमें अपने ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। अरे मतलब अगर आपके 8000-10000 जितने भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो आप किस नंबर पे आते हैं, आप एक तो ये चेक कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन भी तगड़ा होगा। हाँ, और एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल आपको मिलेगा, और आप अपनी रैंक के साथ साथ हर क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन ले सकते हैं। मतलब साइंस का मैंने अगर एक क्वेश्चन डाला कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस का ऐसा सोल्यूशन होगा कि दोबारा हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, मैथ का भी सोल्यूशन उसमें सबसे बेस्ट होगा, रीजनिंग का भी सोल्यूशन बेस्ट होगा, इवन GTGS में जिसमें लोग टिक कर देते हैं उसके भी इधर उधर की सारी बातें आपको मिलेंगी, मतलब विद सोल्यूशन आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश। तो ये सर, सारी खूबी मुझे लगता है कि ये मॉक टेस्ट तो फिर एक कंप्लीट मॉक टेस्ट कहलाएगा सर। हाँ बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट यूनिट क्यों है। मैंने पहले बताया कि 50 तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो जो 15 है ना, उन्होंने हमने सुपर मॉक ही नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो उसका कंटेंट और उसका कैसा तो कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। तो सर फिर बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो गई, अपने सपोर्ट जो सपोर्ट नंबर है 9369880746 उस पर आप कांटेक्ट करिए,
और सर से बातचीत करके ये मॉक भैया चटपट चट लेने से पहले आप एक बार इस्तेमाल कर अभी लो भी देख लो अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे ले ही लो इस्तेमाल करने को पहले आप एक बार ले लो और लेने के बाद उस पे जाके देखिए कि किस तरह का स्टैंडर्ड उसके बाद आप लीजिए और बिलीव मानिए कि अगर आप देखा जाए कि मोटा मोटा अभी हम लोग के पास कहीं ना कहीं सर 40 दिन है एग्जाम को लेकर तो अगर 40 दिन है नहीं 40 दिन है 30 दिन है मान लीजिए तो हम लोग अगर एक दिन में दो मॉक देते हैं तो ऑलमोस्ट 65 मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा सर एक आखिरी सवाल इसके बाद मेरा आपसे इस मॉक टेस्ट पर कोई सवाल नहीं होगा। सवाल आखिरी ये है कि फरवरी 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी अनाउंस हुई थी, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो अगस्त 17 से एक टेंटेटिव डेट आ गई, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों में ने इन 3 साल में सिर्फ मक्कारी करी है अगर वो ये मॉक टेस्ट लेते हैं तो उनको भी फायदा होगा या नहीं होगा? अब देखिए सर समय इतना बड़ा हो चुका है 3 साल कि जिसने मक्कारी की है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा। ले ही लेगा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है थोड़ा सा नॉलेज है तो ये मॉक आपके बड़े काम में है। वाह वाह वाह। शुरुआत आप 50 मॉक से करना, शुरुआत इसलिए 50 मॉक से करना क्योंकि आप डायरेक्ट सुपर मॉक में मत कूदना, पहले आप शुरुआत 50 मॉक से करेंगे ना तो अगर आप लेवल लेवल मतलब अच्छा। ये है कि हम लोग धीरे 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 अपना लेवल जो है ना इस तरह से देखिए बढ़ता चला जाए। ग्राफिकल फॉर्म देखिए तो इसकी ग्राफिकल फॉर्म जो है 45 डिग्री के एंगल का जो ग्राफ बनता है ना सटासट नीचे से ऊपर की तरफ का वो ऐसा जा रहा है तो कल शाम 7 बजे शनिवार शाम 7 बजे तो आप लोग सब लोग शनिवार शाम 7 बजे एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट फ्री हो जाएगा और उस पर जाके देखिए दीजिए, यानी पूरा संडे फ्री रहेगा, शनिवार शाम 7 बजे से लेकर अगले दिन रविवार रात 12 बजे तक फ्री है। आप लोग जाइए देखिए और देने के बाद ये देखिए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आती है और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट लेने के बाद हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए कि मैंने पहले मॉक में 55 नंबर स्कोर किया फिर अगले मॉक में मेरे 55 से ज्यादा आए, भले ही आधा नंबर ज्यादा आए वो मैटर नहीं करता लेकिन ज्यादा आना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। तो सर कुछ क्लोजिंग रिमार्क देने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि आप कुछ बच्चों से दो शब्द कह दें और उसके बाद अपनी तो, इस वार्ता का अंत किया जाए। हाँ तो बात ये है ना कि बहुत कम समय बना है, मैं तो बस इतना कहता हूँ कि आप उस दिन को याद कर लो कि जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा और आपके मम्मी पापा पूछेंगे आपसे कि भाई आपका क्या हुआ, सिर्फ वही एक पल है वही एक क्षण है जिसको आप डेली सुबह शाम याद करो, उस समय क्या आप उनको मम्मी पापा को ये बोल पाओगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ उस एक क्षण को याद कर लो, आप बिलीव मानिए रात को नींद नहीं आएगी दिन को चैन नहीं आएगा ढाना नहीं है लेकिन ये हकीकत है। तो मैं आपको बता दूं आप लगातार पढ़ते रहोगे कि सिर्फ और सिर्फ उस एक क्षण को याद करके कि हाँ उस समय मैं अपने मम्मी और पापा को क्या बोलूँगा जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने का मतलब ये है कि लगातार पढ़ाई कीजिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं किसी और से, लेकिन इस बार आपकी अंतिम वैकेंसी होनी चाहिए, मतलब इस बार आपके हाथ में हर हाल में जॉब होनी चाहिए। तो ये थे योगेश सर जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट के विषय में सुपर मॉक के विषय में आपको दी जानकारी और जानकारी के साथ बताया कॉन्टेक्ट नंबर, आप पहले टेस्ट दें फिर उसके बाद इस बात को श्योर करें कि आपको टेस्ट लेना ही है। तो चलिए फिर इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारियों के साथ छोटे छोटे जैसा शक्तिमान कहता था ना छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ मैं अनुराग दीक्षित और योगेश गुप्ता आपके सामने आते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।